मैं कुछ कार्यक्रम थे उनको मैं शामिल हुआ, उसके बाद गुंडा, गुंडा के बाद फिर रेवरली आने का मौका मिला। ये बहुत ही VIP जिला है, हालांकि ये सरकार अक्सर कुछ जिलों की चर्चा करती कि ये VIP जिले हैं, अगर VIP की सूची में शामिल करें तो रेवरली भी एक VIP जिला है। और सरकार जश्न मना रही है अपने 4 साल के विकास कार्यों। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि रेवरली में क्या विकास हुआ होगा। इधर 4 साल में केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश की व्यवस्था को खराब किया भारतीय जनता पार्टी। अगर हम अर्थव्यवस्था देखें, हमारे किसानों ने अगर कोविड के समय पर खेत में काम न किया होता, लॉकडाउन के समय पर खेती और फसल की पैदावार को न बढ़ाया होता, तो आज जहां अर्थव्यवस्था है उससे भी नीचे अर्थव्यवस्था पहुंच गई होती। और इसी दौरान जब सब हम लोग बंद थे, तकलीफ में थे, परेशानी में थे, उस समय किसानों के लिए जो 3 कानून लेकर के आए हैं, इन 3 कानूनों को लागू हो जाने के बाद खेती तो बर्बाद होगी होगी, किसान के साथ संकट पैदा होगा ही, लेकिन हमारे मध्यम वर्ग के लोगों के साथ में भी परेशानी आएगी, क्योंकि पहले किसान का नुकसान होगा, बाजार में उनका हस्तक्षेप होगा, और किसान की पैदावार अगर बाजार में छोड़ दी जाएगी तो बाजार में जिनके हाथ में चीज़ें चली जाएंगी वो तय करेंगे कि मुनाफा कैसे कमाना है, और जब मुनाफे की लड़ाई होगी तो जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको जहाँ सामान खरीदना पड़ता है, अलग अलग तरह की चीज़ें खाने पीने की खरीदनी पड़ती हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी उनके ऊपर आएगी। और महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के मुनाफे का क्या कर रही है सरकार, जो डीजल पेट्रोल का मुनाफा हो रहा है वो आखिरकार कहाँ जा रहा है, उस मुनाफे का कोई हिसाब किताब हो तो बताएं। नौजवान जो है नौकरी रोजगार उसके हाथ में नहीं बचा, पहले 5 लाख करोड़ का कि इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर डिफेंस एक्सपो किया कि ये इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके बाद बताया कि इकोनॉमी हमारी बेहतर हो रही है, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, मेक इन इंडिया हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी काम नौकरी रोजगार नौजवानों के हाथ में नहीं है, और जो भी आंदोलन करने निकला उसे अपमानित होना पड़ा, उसके ऊपर झूठी धाराएँ लगी हैं। कभी कोई कल्पना कर सकता है कि ट्रैक्टर की ट्रॉली रोक दी जाए, ट्रैक्टर का नंबर ढूंढ करके डीजल पेट्रोल ना भरने का मौका, डीजल ना भरने दिया जाए, और इतनी गंभीर धाराएं, आतंकवादी तक कहा जाए, अपराधी तक कहा जाए, उन्हें दलाल कहा जाए, इतना अपमान तो किसानों का कभी किसी सरकार ने नहीं किया होगा। और दुनिया में शायद भारतीय जनता पार्टी इकलौती सरकार है जो किसानों को अपमानित कर रही, वो किसान जो हमें पेट भरता है, जो किसान हमारे लिए कपड़े की पैदावार कराता है, अगर वो खेत में कॉटन न पैदा करे तो हमें कपड़े कहाँ से मिलेंगे, अगर खेत में वो पैदावार खाने पीने के सामान की न खरीद, मान लीजिए गेहूँ पैदा ना हो, धान पैदा ना हो, आलू न पैदा हो, सब्जियां न पैदा करें, तो हम खाएंगे क्या। जो हमारे खाने पीने का इंतज़ाम करें, जो हमारे कपड़ों का इंतज़ाम करें, उससे ऐसा अपमानित होना पड़ रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत के लिए कोई नहीं हो सकता। ऐसे केवल एक नहीं, प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष को झूठा फंसा के जेल भेज दिया, यहाँ पे RP यादव को झूठा जेल में फंसा दिया, हम पे मुकदमे लगा दिए, और योगी जी ने इसलिए लगवाए हैं सरकार ने, इसलिए क्योंकि उन्होंने परंपरा डाल दी है कि वही मुख्यमंत्री बनता है जिस पर मुकदमे हो, तो हम तो उन्हें बधाई देते हैं अपने लिए। इसलिए ये सरकार जाए, ये ठोको सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो भाषा है वो ऐसी खतरनाक भाषा है कि पता नहीं क्या हो जाए उसके बाद। जब हम और आप मिल रहे हैं, हमें जानकारी मिली है कि आगरा में एक सब इंस्पेक्टर को ठोक दिया गया, किस कारण उसकी हत्या हो गई ये पता ही नहीं, न जाने कितनी पुलिस पिटी और पुलिस को बेलगाम छोड़ दिया कि पुलिस न जाने कितनों को ठोके दे रही। किसान आंदोलन में अगर दिल्ली में किसानों को आतंकवादी कहा गया तो उत्तर प्रदेश में भी 10,000 तक समाजवादी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज हुए।
आज सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर कहीं लग रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं पर। आप बगल का जिला देख लीजिए, प्रतापगढ़, पार्टी के जिलाध्यक्ष को झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया। यहाँ पर पूर्व जिलाध्यक्ष, उसको जेल भेज दिया। याद रखिए, ये सरकार, ये सरकारें आती और जाती हैं। अगर ये परंपरा सरकारों की होगी कि विपक्ष के लोगों को झूठे मुकदमे लगा कर जेल भेज दिया जाएगा, तो शायद ये लोकतंत्र की सबसे खराब परंपरा होगी। और फिर एक योगी मुख्यमंत्री अगर ये करे तो उससे क्या उम्मीद करोगे दूसरे लोगों से? किस पे मुकदमे नहीं लग रहे, किसकी जांचें नहीं हो रही? और बंगाल का चुनाव देख लीजिए आप, जो कुछ सरकार कर सकती है वो कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और मैं उत्तर प्रदेश में आपको भरोसा दिला सकता हूँ, जनता तैयार है। किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं, बहनें, व्यापारी तैयार है कि जब उन्हें मौका मिलेगा तो इस सरकार को सबक सिखा देंगे। कोविड की क्या कहानी है? कोविड है, मास्क लगाइए, दूरी बनाइए, आप भी दूर रहिए। लाउड स्पीकर से आजाद को लेकर घमासान मचा हुआ है, क्या कहेंगे इसका? ये मुझे लगता है अपॉइंटमेंट की शर्त रही होगी, ये अपॉइंटमेंट के नियम रहे होंगे कि आप अगर वाइस चांसलर बन जाएं तो आपको कुछ दिनों के बाद ये बात कहनी पड़ेगी। शायद वो अपॉइंटमेंट की शर्त रही होगी। एक सवाल रहेगा, राम मंदिर के मुद्दे पर बनी सरकार मंदिर और मस्जिद को धीरे धीरे हटवाने की बात कर रही है, तो क्या लगता है? मैं इतने मंदिर और इतनी जगह गया हूँ, मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ योगी जी आए थे, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने सब मना कर दिया, तो आप कल्पना कर सकते हो। इधर मैं एक डेढ़ महीने में जो मुझे रास्ते में बड़ा मंदिर दिखा, बड़ा जगह दिखी, मैं गया वहाँ और मैंने पूछा। मैं रामनगर गया, आमला में जैन मंदिर थे, वहाँ पर बौद्ध का भी एक स्थान है, हिंदुओं का भी स्थान है। मैंने पूछा कि यहाँ पर योगी मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने मना कर दिया। इसी तरह मैं वृंदावन में गया, काली माँ का मंदिर है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने रूप लिया काली का, उस मंदिर में गया मैं। मैंने पूछा कि यहाँ पर क्या मुख्यमंत्री जी आए थे, बोले कभी नहीं आए। नरसिम्हा भगवान का वहाँ पर मंदिर है, मैंने पूछा कि आए थे, बोले नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये धर्म केवल सत्ता के लिए है और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है, ये योगी खुद नहीं है। अगर गीता पढ़ें आप, गीता की जो परिभाषा है, गीता यही कहती है कि जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी है। क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री जी योगी है? आपका दुख समझ पा रहे हैं? ये यूपी में भी होगा और आपके साथ भी हो सकता है ऐसा, इसलिए लोकतंत्र बचाइए आप और हम। एक क्वेश्चन है आपसे, एक क्वेश्चन सुन लीजिए, एक क्वेश्चन ये है। अच्छा, थोड़ा परिचय दे दोगे तो अच्छा रहेगा, हम भी जानते हैं। नरेंद्र त्रिपाठी टीवी 100 से क्वेश्चन ये कि मुरादाबाद में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वैसे भी आप सबके दिलों में राज करते हैं, आपका नाम ही सबके लिए काफी है, उसमें वैसे में पत्रकारों के साथ कुछ अभद्रता की गई थी आपके बाउंसरों के द्वारा, वैसे में क्या माना जाए इसको? बाउंसर होते हैं फिल्म एक्टरों के, आप तो सुरक्षा और बंबई के लोग, आप तो सुरक्षा। अध्यक्ष जी, जो हुआ, मैं आपसे कहूंगा कि पत्रकार साथी जिस पर पुराने मुकदमे लगे हों, न जाने क्या क्या धाराएं लगी हों, और बीजेपी से सावधान है ना, पैसा देकर के हो सकता है कोई ना कोई बीजेपी का कार्यकर्ता यहाँ आ जाए, वो पत्रकार बन जाए, इसलिए आप भी सावधान रहो, हम भी सावधान। अध्यक्ष जी, क्या चीज? अध्यक्ष जी, मैं अखिल श्रीवास्तव लाइफ। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, सावधान रहना, अभी देखा पटना में क्या हुआ है। अध्यक्ष जी, एक सवाल रहेगा, मैं अखिल श्रीवास्तव लाइव टुडे न्यूज चैनल से। हाल ही में सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी को लेकर तंज कसा था और कहा था बच्चे इसको देख कर कहते हैं गुंडे आ गए, तो क्या कहेंगे इस बात पर? आपके बगल में देखो जो कवर है वो लाल है। मैं कवर की नहीं बात कर रहा, इनकी शर्ट में लाल रंग है, इनका बैग लाल नहीं है, लेकिन हमारी जो बहन बैठी है इनका भी जो दुपट्टा है वो लाल रंग का है, ये साथी लाल रंग की शर्ट है। और कहाँ नहीं लाल दिखाई दे रहा, ये रेस्टोरेंट थोड़ा पिंक हो गया। और तुम्हारे जो माथे पे लगा है लाल तो नहीं है, दूसरे रंग का है उनका। देखिए टी शर्ट में सूर्यांश लिखा है लाल रंग में, इसलिए मैं आपको बताना, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जो लाल रंग है इमोशंस का रंग है, जब आप दुखी होते हो तो चेहरा लाल हो जाता है, जब खुश होते हो तो चेहरा लाल हो जाता है, अगर कान कोई मरोड़ दे तो लाल रंग हो जाता है, तो ये इमोशंस का रंग है। और फिर 2.5 साल का बच्चा ये बता दे, तो मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी भी एक लाल टोपी पहन लें,
और हमारा कोई भी साथी हो वो भी लाल टोपी पहन ले, और 2.5 साल के उसी बच्चे से पूछ लो जो सवाल मुख्यमंत्री जी पूछ रहे हैं, वो 2.5 साल का बच्चा बता देगा कौन क्या। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी जनता की सुनेगा और बहुत जल्दी पंचायत के चुनाव होंगे। ये पंचायत के चुनाव के लिए सब तैयार हैं। माननीय प्रदेश स्तर की सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों को, तथा शिक्षकों को लेकर के आएंगे, आपके संज्ञान में होगा। आप नेता सदस्य इस बात को लेकर के तमाम की बड़ी भी कमी है, अपना संज्ञान है। ये सर लगभग 4,000 लोगों के साथ जो परिवार बहुत बड़ा मामला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षकों को बड़े पैमाने पर धोखा दिया, जिसमें आपके भी शामिल हैं, और मानदेय वाले जिनको हमने दे दिया था वो भी शामिल हैं, शिक्षा मित्र भी शामिल हैं। आप सोचिए, शिक्षा मित्र हजारों की संख्या में जान दे चुके। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार की सहयोग करिए, बनाइए, हम आपकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। क्योंकि आपने नहीं लगाया तो आपका मान रहे हैं, आपका कहना मान रहे हैं, आप सरकार है, इसलिए हम आपका कहना मान रहे हैं, भाई आपका कहना मान रहे हैं। और फिर हम तो टीवी देख रहे हैं, बंगाल का चुनाव देख रहे हैं, कौन मास्क लगा रहा है? समाजवादी सरकार बनेगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी और तभी वैक्सीन लगेगी। सर जी, पत्रकारों के लिए क्या सुरक्षा रहेगी आपकी सरकार में? किसके लिए? पत्रकारों के लिए। पत्रकारों के लिए, पत्रकारों को बहुत सुरक्षित रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी 900 करोड़ सरकार खर्च कर रही है। सुन एम रुक जाइए, शांति रखो। अभी सरकार 900 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, सुना है, वो सरकार बताएगी बजट में क्या खर्च हुआ है। और ये भी तय किया जा रहा है कि आप एक तरफ सरकार की उपलब्धि बताएंगे, वहीं जो विपक्षी लोग हैं उनको सोशल मीडिया पर, तमाम प्लेटफॉर्म में कैसे उनको डैमेज करेंगे। तो ये डबल पैकेज चल रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर, और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।